वाराणसी जनपद से 18 साल पूर्व आकर अपने मायके भदोही जनपद के औराई ब्लॉक के झुआ गांव में निवासरत 70 वर्षीय सुनकली के समस्त संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से स्थानीय दबंगों द्वारा 2 साल से लगातार कहर जारी है। दबंगों द्वारा उनके घर को ढा दिया गया, उनको जान से मारने की नियत से फिर उसी घर में आग लगा दिया गया, उनकी जमीन पर कागजात तथा लोहिया आवास की दूसरी किस्त का रुपया लूट लिया गया। सदमे के कारण सुनकली के पति की मौत हो गई। सुनकली का आरोप है कि दबंगों और स्थानीय पुलिसिया गठजोड़ के कारण स्थानीय पुलिस कानून अंधा होता है को अपने तरीके से परिभाषित कर पूरे मामले में अंधी बनी हुई है। सुनकली देवी मेरी सगी मौसी है। ये हमें मालूम है कि सुनकली देवी 18 साल पहले अपने सगे भतीजे बुनियादी से रुक्का पंचनामा के जरिए 2 बिस्सा जमीन 30,000 रुपया में लेकर के घर बना करके सपरिवार रहती थी। हमारे 1.5 लाख रुपया लूट लिए रहन और उसके बाद हमें हटावे हटावे करत रहन। तो बूढ़ऊ हमारे कहना कि हमारे रुपया भी लूट लिए, हमें हटौते हुआ इतना दिन से हम बना चुनाए कि 18 साल से है हमें भगावत था। वही चिंता में खौफ में बूढ़ऊ हमारे ख़त्म हो गए। हम एकर शिकायत लेके औराई थाने गए तो सिपाही लोग हमें डांट के हटा दें कि बार बार बुढ़िया आया था झूठी बात लेके। तब फिर क्या करूँ? जैनपुर कचहरी गए तो हमारे वहाँ मुकदमा दर्ज करे तो हमारे वहाँ से कार्रवाई चालू हो गया। बाद में ये पता चला कि बुनियादी को एक ब्रह्मचारी रिटायर्ड इंजीनियर पटाया और जो चक में 10 बिस्सा था, 10 बिस्सा 2 बिस्सा बेचा था, 8 बिस्सा लिखाने के लिए उनको शराब पिलाता रहा, पैसा देता रहा, लालच में लिया रहा और एक दिन ले जा करके बुनियादी को अब रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी पत्नी इंद्रावती के नाम रजिस्ट्री करा लिया, जो पूरा नंबर का करा लिया धोखाधड़ी से। हमारे विद्यावास में ब्रह्मचारी और विद्या पासी ताला लगा दिए, कब्जा कर दिए, ये सब गए हमें घिसेट के लिए और हमें निचारे कह हम नहीं निचारे तो चुक्की पुक्की अनिल और सीता सब जने निशान निशान फेंक लगन। फिर फेंकने के बाद आदमी लोग मने करन तब जना मान गए। रात में आके सब जने मिल के हमारे घर जा दिए, हमें जलाने के लिए तैयार हो गए, केहू के जला दें। हमारे आदमी तो मर चुके हैं लेकिन हमारे जान के खतरा बा, हमें न्याय चाहिए भैया। सुनकली जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको पहली बात तो न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो गांव ग्राम झवा के प्रधान होने के नाते मैं उनको 2 बिस्सा कहीं भी जमीन ग्राम समाज जो मिलेगा वहां पर हम पट्टा आवासी उनको कर देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जमीन दिलाई जाए, लोहिया आवास दिलाई जाए और इनके पति का जो हत्यारा है ब्रह्मचारी से 5 लाख रुपए मुआवजा दिलाई जाए और 1.5 लाख रुपया जो लूटे हैं वो दिलाई जाए। पुलिस द्वारा बार बार दुत्कार देने से पुलिसिया कार्यशैली से निराश होकर सुनकली को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा है। सुनकली चाहती हैं कि दोषियों को सजा मिले तथा उसके साथ न्याय हो। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप भदोही जनपद के DM जिनका मोबाइल नंबर 94-44-75-68 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि सुनकली को न्याय मिल सके। मैं अनिल कुमार, भदोही, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।